हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑटो वर्ल्ड। आज हम बात करते हैं बाइक में अगर डिस्क फ्रंट डिस्क काम ना करे तो उसमें क्या करें। आज हमारे पास पल्सर आई हुई है, देखते हैं उसमें बाइक उसके फ्रंट ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करना चाहिए और कैसे उसे ठीक करें, चलिए चेक करते हैं। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं फ्रंट व्हील घुमा के गाड़ी के ब्रेक बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। चलिए चेक करते हैं मास्टर सिलेंडर को ओपन करके कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मास्टर सिलेंडर में ब्रेक ऑयल बिल्कुल भी नहीं है, या तो इसकी डिस्क वॉल लीकेज है या इसका नीचे से पाइप कहीं से लीकेज है। तो इसमें ऑयल डालकर चेक करते हैं कि इसमें ऑयल आने के बाद ब्रेक इसमें काम करते हैं या नहीं। चलिए ऑयल डालते हैं इसमें फिर देखते हैं। आप कभी भी आपकी गाड़ी के ब्रेक अगर काम ना करते हों तो आप सबसे पहले मास्टर सिलेंडर की ओपन करके चेक करिए कि यहाँ पे ऑयल है या नहीं। अगर ऑयल है तो आपकी डिस्क की वॉल भी ख़राब हो सकती है, और अगर ऑयल नहीं है तो एक बार ऑयल डलवा के चेक कर लीजिए। अभी इसमें प्रेशर बना के देखते हैं तो इसमें प्रेशर आता है या नहीं। देखिए दो तीन बार आप ऐसे ब्रेक को दबाइए, प्रेशर अगर आपकी डिस्क वॉल ठीक है तो प्रेशर आ जाएगा इसमें। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा। जो आप देख सकते हैं इसे डिस्क को बार बार वॉल को इसे प्रेशर बना के चेक कर लीजिए। अगर इसमें प्रेशर आता है तो इसका वॉल ठीक है, ब्रेक अगर काम कर रहे हैं तो इसमें ऑयल डाल के चेक कर लीजिए। अब इसमें प्रेशर आ गया है, अब इसे ऊपर से इसे कैप को बंद कर लीजिए, नहीं तो ये फिर ऑयल बाहर निकलता है ब्रेक मारने से। अभी देखते हैं व्हील को घुमा के ये ब्रेक काम कर रहा है या नहीं। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, कभी अब आपके ब्रेक ना लगें तो इसे ज़रूर चेक करिएगा, और नहीं तो किसी मैकेनिक से चेक करा लीजिए कहीं पे भी जाके कोई भी। अब देखिए व्हील घुमा के चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है ब्रेक। मिलते हैं किसी और अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप।